हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग ज्ञान IQ में। और आज हम करेंगे पियाजे की थ्योरी का पार्ट 3। ठीक है, तो इससे पहले दो पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा CDP की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हम ये सब पढ़ रहे हैं, थ्योरीज वगैरह। तो मैंने सोचा है कि हम थ्योरीज को पहले कंप्लीट करेंगे ताकि आपका जो CDP है उसका थोड़ा बेस बन जाए। ठीक है, तो ये पियाजे की थ्योरी का पार्ट 3 है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसमें हम कवर करेंगे स्टेज 2 को। ठीक है, स्टेज 2 कौन सी है? प्री ऑपरेशनल स्टेज है। 2 से 7 साल तक के बच्चे को इसमें रखा गया है पियाजे के द्वारा, और इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और भी शायद एक दो नाम होते हैं, बट मुझे फिलहाल यही पता है कि हिंदी में इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो गाइज मैंने आपको कहा था कि हम 5 वीडियोस में जो है पियाजे को ख़त्म करेंगे, तो ये इसकी 3rd वीडियो है। इसके बाद बस 4th और 5th वीडियो आएगी और पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस पर चलेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं पियाजे पर, या फिर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी सीरीज मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है, एक तो पहली चीज़ ये है कि जो लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक मांगते हैं, मैं उनको बता दूँ कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता है, आप वहां से ज्वाइन कर ले और PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हर लेक्चर की। ठीक है, चाहे वो कोई भी लेक्चर हो, आपको सभी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। तो चलिए बिना देरी के जो है हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करेंगे। और गाइस मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप अंत तक वीडियो को देखें, ठीक है, चीज़ों को क्लैरिफाई करें। आप नौकरी पाना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो जल्दी से मिल जाए, आपको ऐसा नहीं हो सकता है। एक देखिए, हर किसी की जब आप जर्नी देखते हैं ना, तो सबका एक मेहनत का पूरा एक पीरियड होता है। ठीक है, वो हार्डवर्क का पीरियड है, वो आपको भी करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क के आप कोई भी जॉब नहीं पा सकते हैं, ये फैक्ट है, रियलिटी भी है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्लीज़ मेहनत करें, मेहनत से ना बचें बिल्कुल भी, मेहनत पूरी करें। ठीक है, और ये वीडियोस देखें, आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलेगा। साथ ही साथ नोट्स मेकिंग करें। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो गाइस कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक वीडियो को 10 बार नहीं देख सकते अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो अपनी कॉपी या रजिस्टर कुछ बना लीजिए और उसमें हर सेक्शन का एक पार्ट बना लीजिए और उनको कंप्लीट करना सीखिए। आप नोट मेकिंग करिए, चाहे आप पॉइंटर्स में लिखिए, जो मैं बोलती हूँ उसमें से जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगती है कि ये मैं लिख लूँ तो मेरे को ये चीज़ें याद रहेंगी, तो वो लिखिए और फिर उसके बाद करिए। ठीक है, जब तक आप ये नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप खाली वीडियो देख रहे हैं कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। नोट मेकिंग जो है आपको करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नोट मेकिंग ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लेक्चर हो गया है, वरना आप लोग कहेंगे कि बहुत लेक्चर दे रही हूँ। ठीक है, तो हम बेसिकली अभी फ़िलहाल कंसेप्ट पर चलते हैं। सो कंसेप्ट में सबसे पहले यही है कि आज हमारी स्टेज 2 की बात हो रही है। आपको सेंसरी मोटर स्टेज जब मैंने आपने कराई थी तो आपने देखा था कि 0 से 2 साल तक का बच्चा जो होता है काफ़ी चीज़ें वो नहीं कर पाता है। बहुत सारी ऐसी लाइफ की स्टेजेस आती हैं बच्चे के जीवन में, तो उन स्टेजेस पर पियाजे ने कहा था कि वो एक स्टेज को पार करेगा दूसरी को तभी उस पर आ सकता है। तो सेंसरी मोटर स्टेज को पार करने के बाद जो है बच्चे आते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज में। ठीक है, 2 से 7 साल तक की अवस्था उन्होंने इसकी बताई थी कि 2 साल की अवस्था से और 7 साल की अवस्था तक का बीच के बीच का जो बच्चा होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो मैं आपको ऐसे कुछ बेसिक फंक्शंस कराऊंगी, मतलब बेसिक फीचर्स कराऊंगी जिनसे बाहर आपको इस स्टेज से कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, इनकी टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई ना आपको, तो सब कुछ समझ में आ गया, ये समझ लिए। और ये याद रखिए कि सिमियोटिक फंक्शन है या ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कौन से स्टेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि सिमियोटिक फंक्शन जो है कौन से स्टेज का फीचर है, या फिर ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन हो गया, एनिमिस्टिक थिंकिंग हो गया। तो आप अगर इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो प्री ऑपरेशन स्टेज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं पहले सिमियोटिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमियोटिक फंक्शन की। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चा क्या करता है, ही बिगिन्स टू अंडरस्टैंड जेस्चर्स, साइंस, साउंड्स एंड वर्ड्स टू रिप्रेजेंट एंड कन्वे मीनिंग। ठीक है, ये स्टेज होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज होती है, तो आप समझ लीजिए कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे की लाइफ में। जैसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही पीक पर हो जाता है, और ये ऐसे स्टेज है जहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है, तो बच्चा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोशलाइज हो जाता है, तो बहुत सारी स्किल जो है बच्चा सीखना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जेस्चर्स के थ्रू, ऐसा नहीं है सिर्फ बोलेगा तभी बच्चा सीखेगा, बच्चे जो बोल नहीं सकते वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है,
इशारों में बातें समझते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही पार्ट है और ये सिमियोटिक फंक्शन के अंदर आता है। साउंड्स को समझता है, वर्ड्स को समझता है और इनके थ्रू जो है अपने जो मीनिंग है कन्वे, मीनिंग को कन्वे करता है, साथ ही साथ अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जो वो गुड बाय बोलेगा, ठीक है, गुड बाय के लिए वो हाथ हिला देता है सिर्फ, ठीक है, हाथ ऐसे रेज कर देता है, वेव कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा गुड बाय आपको बोल रहा है, उसको गुड बाय बोलना अलग से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह के साइंस का वो यूज करना स्टार्ट कर देता है। पेंटिंग टू समथिंग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें पेंट कर रहा है जो उसको इंटरेस्ट आता है, ड्रॉइंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब उसका सिमियोटिक फंक्शन के अंदर, उसके लैंग्वेज के डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सिमियोटिक फंक्शन जो है ये चीजें हैं, आप समझ लीजिए, जेस्चर का यूज करना, साइन का, साउंड्स का और वर्ड्स का यूज करना रिप्रेजेंट करने के लिए मीनिंग को या फिर कन्वे करने के लिए। ठीक है, तो जो भी वो वर्ल्ड की समझ बनाता है उसका मीनिंग जब वो कन्वे करता है या उसको रिप्रेजेंट करना चाहता है तो वो कई तरीके से कर सकता है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है, सिंबल्स का रोल यहाँ पर आ जाता है, फिर उसके बाद जेस्चर साइंस वगैरह का यूज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये तो जस्ट दो एग्जाम्पल है, और भी आप समझ सकते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इसको ध्यान से समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस पर। ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है व्यूइंग ए सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट एज बोथ इन इट्स ऑन राइट एंड अ सिंबल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक बच्चे के पास जो है हैट है, ओके, हैट है, सपोज हैट थी उस बच्चे के पास, तो बच्चे ने सर पर पहन ली तो उसके लिए क्या बन गई, हैट बन गई। लेकिन अगले पर आप बच्चे को कहेंगे तो चलो बेटा आप चाय बना के ला के दो, तो बच्चा क्या करेगा, इसी हैट को जो है पलट देगा। ठीक है, पलटने के बाद जो है इसका यूज करेगा वो बर्तन के रूप में। आप देखना ये चीजें बच्चे करते हैं, या फिर आपने एक बच्चे को स्टिक दे दी, ठीक है, आपने कहा कि दादी इस स्टिक के साथ चलती है, ठीक है, वो दादी चल रही है स्टिक, उसने बच्चे ने स्टिक ले ली तो वो पहले दादी की एक्टिंग करके दिखा देगा, ठीक है, स्टिक के रूप में, मतलब अब वो स्टिक का ही यूज कर रहा है उसके अपने उसमें। अब स्टिक का यूज किस लिए होता है, लोग चलने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और भी चीजों का यूज होता है, तो वो उस चीज में तो यूज कर ही रहा है। जब आप उसको कहेंगे कि झाड़ू लगा के दिखाओ तो इसी स्टिक को जो है वो झाड़ू मारने के काम भी ले आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट, जैसे आप हैट मान लीजिए, हैट मान लीजिए, स्टिक मान लीजिए, कोई और भी चीज हो सकती है, तो एक ही ऑब्जेक्ट को जो है वो ऑब्जेक्ट के उसी ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर रहा है, साथ ही साथ उसी ऑब्जेक्ट को जो है किसी और पर्पज से भी यूज कर लेता है। ठीक है, तो यही होता है ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब दो तरह से रिप्रेजेंट करना किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी सिंबल को। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये प्री ऑपरेशनल चाइल्ड जो होता है, जो हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा होता है, वो ये ड्यूअल रिप्रेजेंटेशन करना सीख जाता है। और याद रहे कि सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा ये चीजें उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाती है। ओके, तो आई होप कि ये दोनों चीजें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शंस पर, देखते हैं क्या है। कंजर्वेशन की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। देखिए लैक्स कंजर्वेशन, यहाँ पे बच्चा जो है संरक्षण नहीं कर सकता है। कंजर्वेशन को हिंदी में बोलते हैं संरक्षण, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है बच्चा जो है संरक्षण नहीं कर पाता है। यहाँ पे संरक्षण ये नहीं है कि आपने किसी चीज को बचा लिया, वो नहीं है। अब देखिए क्या है, कांट अंडरस्टैंड द अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग रिमेन्स द सेम इवन इफ द अरेंजमेंट और अपीयरेंस इज चेंज्ड एज लॉन्ग एज नथिंग इज एडेड एंड नथिंग इज टेकन अवे। ठीक है, आपके सामने कोई चीज है, सपोज आपके सामने एक बर्तन है, मैं हमेशा इसका एग्जाम्पल इसलिए लेती हूँ, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। बर्तन में पानी है, बर्तन, इस बर्तन से पानी आपने इस बर्तन में डाल दिया, ठीक है, अब बच्चे, अब आपने इससे यहाँ पर पानी डाला है, ना तो अमाउंट चेंज हुआ है इसका, ठीक है, बर्तन की शेप चेंज हुई है, लेकिन आपके पास जो अमाउंट ऑफ वाटर था वो चेंज नहीं हुआ है। लेकिन बच्चा यहाँ पे इस चीज को नहीं समझ पाता है, उसको लगता है अगर आपने चीज पलट के कहीं और डाल दी है तो उसमें चेंज आ गया है, तो ये चीज वो नहीं कर पाता है, इसी को बोलते हैं लैक्स कंजर्वेशन। तो मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन वो नहीं कर पाता है, जबकि आप देखेंगे कंक्रीट ऑपरेशन बच्चा जो है कंजर्वेशन करना सीख लेता है। ठीक है, ऐसे ही अरेंजमेंट और अपीयरेंस चेंज, आप इसकी, जैसे यहाँ पर आपने वाटर की अपीयरेंस चेंज कर दी है, अब वो इस शेप में दिखने लगा है बच्चे को, ठीक है, पहले वो इस शेप में दिख रहा था, या फिर अरेंजमेंट, आपने किसी चीज, आपने नंबर्स रखे हुए हैं यहाँ पे 1 2 3, सपोज पहले यहाँ पे पास में थे नंबर्स, ठीक है, सपोज यहाँ पे पास पास थे, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिए हैं, लेकिन आप इनको दूर दूर रख दीजिए, ठीक है, 6 नंबर ही लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 6 डॉट्स हैं और ऊपर भी 6 डॉट्स हैं, लेकिन बच्चा क्या सोचेगा कि यहाँ पर जो है ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर कम हो गए हैं। अब ये क्या है, क्योंकि बच्चा जो है पूरी तरह से देख नहीं पाता है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी इरिवर्सिबल थिंकिंग और एक होती है डिसेंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर बच्चा इरिवर्सिबल थिंकिंग को फॉलो करता है और सेंट्रेशन होता है। इरिवर्सिबल थिंकिंग का मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज एक एप्पल था बच्चे के पास, ठीक है, एप्पल था, एप्पल को आपने 4 पीसेस में कट कर दिया, ठीक है, आपने 4 पीसेस बनाए एप्पल के, सपोज ये आपके 4 पीसेस हैं, ठीक है, 4 पीसेस बनाए आपने एप्पल के और आपने बच्चे के सामने रख दिए। अब आपने पूछा कि बेटा अब एप्पल कम हो गया, ज्यादा हो गया कि सेम है, बच्चा कहेगा नहीं एप्पल जो है कम हो गया, ठीक है,
अब वो ये देख नहीं पाएगा, दोबारा से देख नहीं पाएगा इस चीज को पलट के कि ये एप्पल जो है इसी को काटा गया था, हमने इस चीज को कम नहीं किया, जिस तीन चार पीसेस में काट दिया और यहाँ पर आपके सामने रख दिया, 1 2 3 4 फोर पीसेस में हमने इसको रख दिया। लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पाया कि ये जो एप्पल है ये सेम ही अमाउंट है इसका यहाँ पे, यानी कि वो पजल हो गया और बच्चा कहेगा नहीं एप्पल तो कम हो गया है। तो यही होती है इरिवर्सिबल थिंकिंग, जबकि ये कंक्रीट ऑपरेशन में जाएगा तो उसको रिवर्सिबल थिंकिंग आ जाएगी। दूसरा है सेंट्रेशन, यानी कि बच्चा जो है सेंटर्ड हो जाता है एक ही चीज़ पर। हम कहते हैं ना सिर्फ एक ही चीज़ को देख रहा है, जैसे बर्तन वाला एग्जाम्पल दिया था, पहले पानी यहाँ पर था, ठीक है, अब जो है पानी हमने इस ग्लास में ट्रांसफर कर दिया, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है लेकिन ग्लास में यहाँ तक आ गया। अब बच्चे से पूछे पानी कम हो गया कि ज़्यादा हो गया, अब क्योंकि ग्लास बड़ा दिख रहा है, हाइट ज़्यादा लग रही है यहाँ से बाउल से, तो बच्चा कहेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर कम पानी था। इसका मतलब क्या है कि बच्चे ने केवल एक ही डायमेंशन पर फोकस किया, वो थी इसकी हाइट, ओके। और इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि बच्चा सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सीखता है, वो हम आगे देखेंगे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ उसने हाइट पर फोकस किया, उसने इसकी विड्थ पर फोकस नहीं किया। ये बर्तन जो है चौड़ा था लेकिन ये लंबा है, तो उसने सोचा कि नहीं लंबा है उसके लिए बड़ा लग रहा है उसको, तो इसमें पानी ज़्यादा होगा। तो ये होती है सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर जो है बच्चा सेंटर्ड है एक ही डायमेंशन पर, वो हाइट विड्थ और अगर आप कहें कि उन पूरी डायमेंशन पर फोकस नहीं कर रहा है, सिर्फ हाइट पर फोकस कर रहा है, विड्थ को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है इरिवर्सिबल थिंकिंग और सेंट्रेशन, इनकी वजह से जो है कंजर्वेशन नहीं कर पाता है। तो कंजर्वेशन के दोनों पार्ट्स होते हैं, ओके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इस नंबर्स के एग्जांपल से या इसके एग्जांपल से, एप्पल के एग्जांपल से। एक और एग्जांपल है, जैसे पेज है, आपने पेज के टुकड़े कर दिए, एक पेज दिया बच्चों के सामने आपने दिखाया और आपने टुकड़े कर दिए, तो प्री ऑपरेशन चाइल्ड क्या कहेगा कि अब पेज जो है वो कम हो गया है, क्योंकि अब छोटे 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 उसको टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, पेज कंप्लीट बड़ा था, ठीक है। तो ये भी आपका रिवर्सिबल थिंकिंग का पार्ट है, ठीक है। याद रखिए सेंट्रेशन का मतलब होता है जब एक चीज पे सेंटर्ड हो, सिर्फ एक ही डायमेंशन पर फोकस हो, रिवर्सिबल मतलब वो प्रोसेस को देख नहीं पा रहा है, थिंक बैकवर्ड नहीं कर पा रहा है, तो पीछे मुड़ के देख नहीं पा रहा है कि कहाँ से चीज़ क्या बनी है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। अब देखिए इसमें भी आपका क्या है, रिवर्सिबल थिंकिंग भी है इसमें, ठीक है, और डायमेंशन भी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपकी रिवर्सिबल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्री ऑपरेशनल चाइल्ड जो है उसमें इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है और सेंट्रेशन होता है, दैट मीन्स कि वो रिवर्स नहीं कर पाता है चीज़ों को, साथ ही साथ वो एक ही चीज़ पर सेंटर्ड होता है, ओके। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर बच्चा क्या होता है कि फेल्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका जो कारण है, किस वजह से वो चीज़ हो रही है, इस चीज़ को प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अगर बच्चे ने कहा कि ए की फोर लेग्स हैं, ठीक है, ए की फोर लेग्स हैं और बी की भी फोर लेग्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है ए और बी दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये एक एक तरह का मैंने इलॉजिकल आपको चीज़ बताई है, ठीक है। या फिर हम एक और एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो मैं कह सकती हूँ, बच्चों को पता है कि अंधेरा होता है, रात होती है तो हम लोग सो जाते हैं, तो बच्चों को जब आप कमरे में लाइट बंद कर देंगे, अंधेरा हो जाएगा, तो वो सोचेंगे कि ठीक है कमरे की लाइट बंद है, अंधेरा हो गया, तो अब हमें फिर से सो जाना है, भले ही बाहर दिन है या भले ही हमें नहीं सोना है। तो ये कुछ तरह के इलॉजिकल चीज़ें होती हैं जो बच्चे कनेक्शन ढूंढ लेते हैं इनके बीच, कोई भी पैरलर में दो चीज़ें चलती रहती हैं तो उनको कनेक्ट कर देते हैं और उसको सोच लेते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एंड कुछ भी अगर चीज़ें रह जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई तो करती हूँ हमेशा, सो आप लिख सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, फीचर्स तो बहुत हैं इस स्टेज के, अगर आपने ये देख लिए उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि रैपिड डेवलपमेंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल सिस्टम, आपको पता है कि लैंग्वेज का अपना एक सिंबल सिस्टम होता है, ठीक है, लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, तो पीक पर होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट इस स्टेज पर, प्री ऑपरेशन स्टेज पर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो पीक पर होता है। बच्चे अपने आप से बातें करते हैं, कितनी भी चीज़ें करते हैं, वो सब लैंग्वेज का पार्ट होता है, उसी के थ्रू वो इंटरेक्ट करते हैं और सोशलाइजेशन प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। सो इमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेजर हॉलमार्क्स ऑफ द प्री ऑपरेशनल चाइल्ड। तो ये जो इमर्जेंस ऑफ लैंग्वेज है ये एक हॉलमार्क है बच्चे के लिए प्री ऑपरेशन चाइल्ड में से, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको बोलूंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो बच्चे की वोकैबुलरी है आप देखेंगे 2000 से 5000 तक वर्ड्स जो है बच्चे के दिमाग में फिट हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्री ऑपरेशन चाइल्ड की बात कर रही हूँ मैं, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। तो जब भी ये आए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सी स्टेज पर सबसे ज्यादा होता है, तो आपको प्री ऑपरेशनल जो है उस पर टिक करना है, ओके। देन थिंकिंग इज प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट है आपका सोशल ड्रामेटिक प्ले, ठीक है। नेक्स्ट है प्ले बिकम्स लेस सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, सोशल ड्रामेटिक प्ले आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि मेक बिलीव प्ले, जो मैंने मेक बिलीव प्ले आपको बताया था,
जो सेंसरी मोटर पे, वो यहाँ भी होता है लेकिन वो सोशल ड्रामेटिक में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा, मैंने कहा कि सोशलाइजेशन जो है बच्चे का होना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जो है बच्चा और लोगों के साथ जुड़ना स्टार्ट कर देता है। वहां पर जहाँ मेक बिलीव प्ले में वो अपने आपके साथ ही जुड़ा हुआ था, अपने आप ही खेल में लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और ये प्ले जो हो जाता है वो सोशल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सोशलाइजेशन होता है लैंग्वेज के थ्रू। अब वो दूसरे बच्चों से भी बातें करने लग जाता है, अपनी चीज़ें वो थोड़ा सा शेयर करने लग जाते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है कि वो ईगो सेंट्रिज्म कौन कौन सी कंडीशन में उनके सामने आ रहा है, लेकिन वो थोड़े थोड़े से लेफ्ट सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं प्ले में, अगर हम बात करें तो, ठीक है। जैसे कि आप सपोज दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने हैं, एक के पास है ही नहीं, तो अगर उसको खिलाना है इस बच्चे को, तो वो अपने प्ले अपने जो खिलौने हैं वो इसको देगा, ठीक है, क्योंकि उसको इसके साथ खेलना है, क्योंकि इसके पास खिलौने नहीं है, तो अपने जो खिलौने हैं इसको प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह से लेस सेल्फ सेंटर्ड वो हो जाता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल, जैसे डॉल्स होती हैं, तो बच्चा जब अपनी डॉल्स को भी फीड कराना शुरू कर देता है, ठीक है, यहाँ पर मतलब अपने आप के अलावा अपनी दूसरी चीजों पर भी वो ध्यान देना शुरू कर देता है, भले ही वो डॉल्स पर दे, इन मतलब एनिमिस्टिक थिंकिंग जो है उसके अंदर डेवलप हो जाती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोशल ड्रामेटिक प्ले हो जाता है, ओके। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया, ये जस्ट जनरल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझी। अब हम नेक्स्ट बेसिक फीचर्स पर चलते हैं इसके। ये देखिए, एनिमिस्टिक थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमिस्टिक थिंकिंग का मतलब क्या होता है? बिलीव दैट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे डॉल्स हो गए, कार्टून्स हो गए, ठीक है, ये सारे इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे इनमें लाइफ लाइक क्वालिटीज होती हैं, सच एज थॉट्स, फीलिंग्स, ये बच्चा सोचता है। हम सबको पता है कि सिंशन इज जस्ट अ एनिमिस्टिक ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, तो ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए सिंचैन जो है एक जीता जागता बच्चा है जिसके अंदर जान है, और उसको चोट भी पहुंचती है, उसको भी दर्द होता है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है, ये बच्चा सोचेगा, ठीक है। जैसे कि उसकी डॉल होती है, बच्चे की डॉल हो गई, ठीक है, या बच्चे का कोई भी टॉय हो गया, मैं यहाँ पे सिर्फ डॉल की बात नहीं करूँगी, किसी भी टॉय की बात कर लीजिए, बच्चे को उस टॉय से भी इतना लगाव हो जाता है, उसको लगता है कि ये डॉल भी जो है ये भी खाती है, खाना भी खाती है, इसको भी कोम करने की ज़रूरत होती है हमें, इसको भी नहलाने की ज़रूरत होती है, तो जो बच्चे के साथ होता है वो सोचता है इसको भी उतनी ही ज़रूरत है, तो उसको लगता है कि जितने भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर जान नहीं होती है एक्चुअल में, वो सोचता है कि इनके अंदर जान होती है, इनके अंदर भी लाइफ लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बच्चा अपनी डॉल को जो है फीड कराता है, उसको सुलाता है, उसको नहलाता है, उसके बनाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। कोई भी टॉय हो जाता है उसको बड़े प्यार से रखता है, ठीक है, तो ये उसको बोलते हैं एनिमिस्टिक थिंकिंग, मतलब बच्चा सोचता है कि इनमें भी लाइफ क्वालिटीज होती हैं, मतलब लाइफ होती है, इनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, इनके भी अपने थॉट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांजिटिव इन्फरेंस। इन्फरेंस क्या होता है? किसी चीज़ से निष्कर्ष निकालना। तो बच्चे में ट्रांजिटिव इन्फरेंस जो है वो नहीं पाया जाता, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। ही कांट यूज प्रीवियस नॉलेज टू डिटरमाइन द मिसिंग प्लेस यूजिंग बेसिक नॉलेज। उसके पास जो भी प्रीवियस नॉलेज, उसका पहले का जो भी ज्ञान है, उसको अपने नए ज्ञान में वो अच्छी तरह से समझ बनाने के लिए नहीं यूज कर पाएगा। जब भी उसके सामने कोई नई चीज़ आएगी तो पहले की नॉलेज का अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाता है उसको समझने के लिए। जैसे कि देखिए, अगर ए बड़ा है बी से और बी जो है सी से बड़ा है, तो बच्चा यहाँ पर क्या सोचेगा कि ए जो है वो सिर्फ बी से बड़ा है और बी सिर्फ सी से बड़ा है। मतलब यहाँ पर ए जो है वो सी से बड़ा हो गया, ये कनेक्शन बच्चा नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है। मतलब कि वो ये ज्ञान यूज नहीं कर पाएगा कि भाई अगर बी सी से बड़ा है तो हमने पहले पढ़ा था कि बी जो है वो ए से छोटा है, इसका मतलब जो है ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा। तो ये जो लिंक है, ये लिंक जो है बच्चा डेवलप नहीं कर पाता है। मतलब उसके पास प्रीवियस नॉलेज तो थी कि ए बी से बड़ा है, लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। जब वो बी को और सी, ए और सी की रिलेशनशिप देखेगा तो वो इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बच्चा बेसिकली अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज नहीं कर पाता है नए ज्ञान को समझने के लिए, मिसिंग प्लेसेस को भरने के लिए, ठीक है, या फिर बेसिक नॉलेज का यूज नहीं कर पाता है वो अपने, इसको उसको बोलते हैं लैक ऑफ ट्रांजिटिव इन्फरेंसेस। और ट्रांजिटिव इन्फरेंस कब आएगा? आपका कंक्रीट ऑपरेशन में ये आ जाता है, लेकिन प्री ऑपरेशन में ये नहीं रहता है, ओके। देखो, ये टर्मिनोलॉजी जो है, जो एनिमिस्टिक थिंकिंग हो गई, लैक ट्रांजिटिव इन्फरेंस होगी, ये सब आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि पियाजे की स्टडीज से यही दो चार क्वेश्चंस बनते हैं जो हर बार एग्जाम में आते हैं, और इनमें आप लोगों से गलती हो जाती है कई बार, तो प्लीज इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट है कांट क्लासिफाई। इसका मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्लासिफिकेशन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कांट ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, मैं यहाँ पर सिंपल क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत हाई लेवल की क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, तो वो चीज़ें बच्चे नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू रिवर्सिबिलिटी एंड एट दिस स्टेज चिल्ड्रन हैव इरिवर्सिबल थिंकिंग। ये रिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स जो क्लासिफिकेशन होती हैं, ठीक है, जैसे एक स्टिक हो गई, अब इस स्टिक को आपको सीरियल में लगाना है, ठीक है,
छोटे से बड़े में लगाना है, ये चीज़ नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता। जैसे मैंने आपको सेंसरी मोटर में बताया था कि आपने अगर उसको राउंड बॉल दिखा दी बहुत सारी, आपने कहा ये आपके सामने एक डब्बा है इसके अंदर बहुत सारी शेप्स की चीज़ें पड़ी हैं, आपने कहा कि बेटा बॉल निकाल दो, तो वो ऑब्वियसली वो बॉल निकाल देगा वन 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 करके। ठीक है, लेकिन जब आप स्टिक दिया आपने उससे बहुत सारे, आपने कहा कि इनको जो है सीरियल में लगाओ, ठीक है क्लासीफाई करो या फिर इनको सीरियल में लगाओ, तो ये चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो सीरिएशन भी नहीं आता है, क्लासीफिकेशन भी नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि ये पतली स्टिक है, ये मोटी स्टिक है, ये बारीकी है वो नहीं समझ पाएगा कि चलो बिल्कुल थिन वाली स्टिक्स जो है उनको अलग कर दो, मोटी वाली थोड़ी उससे मोटी वाली स्टिक्स को अलग कर दो। तो ये चीज़ें बच्चे यहाँ पर नहीं कर पाता क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन का पार्ट है। यहाँ पर सीरिएशन भी आता है, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग में भी वो चीज़ें नहीं लगा पाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीरिएशन मैंने लिखा नहीं है, बट आप याद रखिए कि जो सीरिएशन है वो भी बच्चा यहाँ पर नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट है ईगो सेंट्रिज्म। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्री ऑपरेशनल स्टेज का, ये बार बार आपको सुनने को मिलता है। व्हाट इज ईगो सेंट्रिज्म, तो क्या होता है? बच्चा जो है आत्म केंद्रित होता है। अब आपको लग रहा होगा कि जब इरिवर्सिबल थिंकिंग है, मतलब रिवर्स कर ही नहीं पा रहा है, सिर्फ अपने पे ही फोकस है, ये सारी चीज़ें लिंक है इस ईगो सेंट्रिज्म के ऊपर। क्योंकि डिसेंट्रेशन नहीं आ पाता है, सिर्फ सेंटर्ड रहता है एक ही चीज़ पर, इसलिए ईगो सेंट्रिज्म है। रिवर्सिबिलिटी नहीं आती है, इसलिए ईगो सेंट्रिज्म है। मतलब केवल अपना पर्सपेक्टिव समझता है, दूसरों का नहीं समझ पाता है। ठीक है, बच्चे को चोट लगी तो ठीक, लेकिन दूसरे को चोट लगी, अब बच्चे ने मार दी उस बच्चे को चोट, ठीक है सपोज एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को चोट लगा दी, तो वो उसको ये तो पता है कि इसको मैंने चोट लगाई है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरे से गलती हुई है, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं मैंने तो ठीक किया है क्योंकि इसने मेरे को ऐसे बोला था तो मैंने इसको मार दिया, बिल्कुल ठीक किया। तो दूसरों के दर्द का एहसास जो है बच्चा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बच्चा है इसलिए नहीं कर पाता है। आपको पता है कि बच्चे जो होते हैं मासूम होते हैं, इसलिए तो उनको मासूम बोलते हैं। सही और अच्छे बुरे की समझ नहीं हो पाती है क्योंकि उसमें बहुत सारी कमी होती है। स्टेज का एक पार्ट होता है ना कि बच्चा डेवलप उस लेवल तक डेवलप, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है तो कैसे समझेगा चीज़ों को। तो दे सी द वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उन्हें बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है। ठीक है, अगर बच्चे की मम्मी ने किसी और बच्चे को गोदी ले लिया है, ठीक है, तो बच्चा कहेगा नहीं आप इसको नीचे उतारो, मैं ही आपका बच्चा हूँ। उसको लगता है कि मम्मी अब दूसरे बच्चे से प्यार कर रही है तो मेरी मम्मी उसकी तरफ ज़्यादा झुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो अपने बारे में सोचता है, आत्मकेंद्रता की भावना जो होती है बहुत हावी होती है बच्चे के ऊपर। ठीक है, बच्चा अपनी चॉकलेट नहीं देगा, भाई मैं खाऊंगा सारी, आपने थोड़ी सी मांगी तो फटाफट से सारी खा जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है बच्चा करता है जस्ट बिकॉज ही इज वेरी इगोसेंट्रिक। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इगोसेंट्रिक होता है या होती है। ठीक है, तो दूसरों के पर्सपेक्टिव को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है। आप अगर ये कहेंगे कि नहीं ये नहीं करना है तो वो वही करेगा। क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन आप ही गलत बोल रहे हो, तो मैं तो सही करूंगा अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे लगता है। ठीक है, तो ये चीजें बच्चे के अंदर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ, ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, सोशल ड्रामेटिक प्ले एंड सेल्फ इज़्म। तो ये आपके कंप्लीट हो जाती है स्टेज। ठीक है, तो देखिए गाइज, ये था आपका आज का वीडियो और आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और इसमें जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, बेसिकली जो पॉइंटर्स मैंने लिखे थे रेड मार्क्स से, वो आप याद कर लीजिए और उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कोई ज़्यादा आपको जोर नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। ठीक है, तो अगर आप ऐसे नोट मेकिंग करेंगे और पॉइंटर्स को याद रखेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जब अब हमारे पास दो ही स्टेजेस रह गई हैं और थोड़ा पियाजे का क्रिटिसिज्म रह गया है और क्वेश्चन की सीरीज में अलग आपको करा दूंगी। ठीक है, तो पियाजे हम नेक्स्ट टू वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की कुछ फीचर्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इससे बाहर आपको पेपर में कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है और बच्चा जो है ईगो सेंट्रिज्म होता है यहाँ पर। ठीक है, कि बच्चा अपने ऊपर केंद्रित होता है, साथ ही साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पर पीक पर होता है। सबसे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस स्टेज की। ओके, एंड प्लीज डू वर्क हार्ड, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर एक दिन मिल जाएगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग #ज्ञानIQ।